मरु मंगला इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और लेकर आई हूँ मरुमंगला की अंतिम कड़ी। कहते हैं कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है, इसका जीता जागता उदाहरण बाड़मेर है, जो न जाने कब से तकलीफों की कच्ची सड़क से तरक्की की पक्की सड़क पर दौड़ना चाहता था, पर उसके सभी प्रयास या तो विफल हो गए या कुछ ऐसी परेशानियां बीच में आ गईं कि अपने सपने को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। आज भी जब किसी बाड़मेर वासी को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं तो उसके चेहरे पर साफ छलक जाता है कि वो इन दिनों को याद नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी ही यादों का जिक्र कर रहे हैं दादा अपनी पोती से। दासा, ओ दासा, नींद नहीं आ रही आज। अरे आंखें बंद करके सो जा, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। फिर आपको क्यों नहीं आई? आप तो इतनी देर से आंखें बंद करके लेटे हो। बताओ ना दासा, आप चुप क्यों हो? आज तो आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे हैं, चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल छाए हुए हैं। दासा, आप इतने चुप क्यों हैं? पता है दासा, आप इस तरह चुप रहते हो ना तो अच्छा नहीं लगता। तू कल वाकई चली जाएगी शहर? हाँ दासा, कल पापा आकर ले जाएंगे। थोड़े दिन और रुक जाती तो आप फोन करके मना क्यों नहीं कर देते पापा को? मेरा भी जाने का मन नहीं है। अरे मन तो मेरा भी नहीं है बेटा, पर तेरे स्कूल खुलने वाले हैं ना, क्या कर सकते हैं? दासा, आप पापा से बात करके तो देखो, शायद मान जाए। मैंने पहले ही पूरी कोशिश करके देख ली बेटा, पर तुझे जाना ही होगा। ठीक है दासा, एक काम करते हैं, थोड़े दिनों के लिए आप साथ चलो, मुझे छोड़कर आप वापस आ जाना। अरे नहीं बेटा, अब गांव छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। गांव होते ही इतनी सुंदर है दासा, और फिर इतनी तरक्की के बाद अब गांव जैसे गांव रहे ही कहाँ है, इसीलिए तो मैं भी जाना नहीं चाहती। अच्छा अच्छा, ये बता तुझे क्या चाहिए? सुबह होते ही मैं तेरे लिए लेकर आता हूँ, तेरे और तेरे दोस्तों के लिए। मेरे दोस्तों के लिए? अरे दासा, उनके लिए तो आप इतना कुछ दे चुके हो ना कि। मैंने दिया? अरे मैंने कब दिया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं बेटा तुझे। क्या दासा, आप भी ना सच में बुढ़े हो गए हो। हाँ बेटा, बूढ़ा तो हो गया हूँ, लेकिन अपनी पोती के जाने को लेकर मन बहुत अजीब सा हो रहा है। दासा, आप ऐसी बातें करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी? अच्छा अच्छा, अब ऐसा नहीं करूंगा, पर तूने बताया नहीं कि मैंने तुझको क्या क्या दिया है। क्या दासा, आप भी ना बिल्कुल बच्चों जैसे करते हो। अरे गांव की तरक्की की जो इतनी कहानियां आपने सुनाई है ना, वो सब मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों को सुनाऊंगी, एक एक करके, और उन सबको जलाऊंगी भी। जलाऊंगी? तेरी कहानियों से वो क्यों जलेंगे, उल्टा वो ही ये सब सुनकर बहुत खुश होंगे। अरे दासा, आप मेरे दोस्तों को जानते नहीं हो, पता है मुझे गांव का नाम ले लेकर बहुत तंग किया है उन्होंने। अब मैं बताऊंगी उनको, कहूंगी बेटा ऐसा होता है गांव। अच्छा अच्छा अच्छा, तू बहुत शैतान लड़की है, गांव आती है तो अपने दासा की खिंचाई करती है और शहर जाती है तो दोस्तों को परेशान करती है। अरे दासा, आप क्या करें, मेरे दोस्त हैं ही इसी लायक, उनको जितना परेशान किया जाए ना वो कम है। अच्छा
ये बता, तू उनको क्या क्या बताएगी? वही जो आपसे सुना है वो सब बताऊंगी कि कैसे हमारा गांव आज देश के किसी भी गांव से कम नहीं है, बल्कि अब तो शहर को भी मात देता है हमारा गांव। अच्छा, ये सब बता देगी? तुझे याद तो है ना कि मैंने तुझे क्या क्या बताया है? दासा, मुझे कम मत समझिए, मुझे सब याद है। आपने जो भी मुझे बताया ना, वो सब अच्छी तरह याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि तुझे क्या क्या याद है। अब आपको क्या बताना दासा? बताना बेटी, वैसे भी देख नींद तो आ नहीं रही, सुबह तू चली जाएगी। चल, आज रात दादा पोती खूब जमकर बातें करते। ये बार बार आप मेरे जाने की बात करके मुझे इमोशनल कर देते हो दासा। जाओ, मैं आपसे नहीं बोलूंगी। अरे रे 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 रे, अरे मेरी बिटिया तो नाराज हो गई। चल, अब नहीं करेंगे ऐसी बात, ठीक है? पक्का? सॉरी बोलो। सॉरी? ये हुई ना बात। अच्छा, अब पूछो, क्या पूछना है आपको? अच्छा, ये बता कि मेरी बताई बातों में से तुझे सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? हाँ बिना दासा, ये क्यों पूछ रहे हो आप? अरे बताना बेटी। ओके, वैसे तो आपने जो भी बताया वो सब एक से बढ़कर एक था, पर मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा ना, वो नंदघर के बारे में सुनकर अच्छा लगा था। नंदघर के बारे में ही क्यों? अरे दासा, आप भी ना, अरे मैं एक छोटी बच्ची हूँ, अब मुझे वही काम अच्छा लगेगा ना जो बच्चों के लिए होगा। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा, मुझे वापस बता कि तुझे नंदघर की कितनी बातें याद है? कितनी क्या, मुझे तो सब कुछ याद है, आप मुझे ऐसे ही मत समझो। हाँ, फिर भी मुझे बता तो सही कि तुझे नंदघर के बारे में क्या क्या याद है। ओ, समझ गई, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हो। तो सुनो, हमें आगे बढ़ने में जो चीज सबसे ज्यादा मदद करती है वो है शिक्षा, और गांव गांव ढाणी ढाणी तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए केएन वेदांता ने आंगनबाड़ी से मिलकर नंदघर की स्थापना की। अरे बाप रे, तुझे तो सब याद है। इतना ही नहीं दासा, शिक्षा के साथ स्वस्थ शरीर भी कितना जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया जाता है वहाँ। अच्छा, और बता। और बच्चा बड़ा होकर आज की जीवन शैली में आराम से जिए, इसके लिए कंप्यूटर भी लगा रखा है, ताकि यहाँ का बच्चा किसी भी काम में किसी से कम ना रहे। अरे ये सब तुझे याद है बेटा? अरे पोती किसकी हूँ, मेरी याददाश्त भी आप जैसी ही है। आपने जो भी मुझे बताया, मैं वो सब आपको बिल्कुल वैसा ही बता सकती हूँ। अरे वाह बेटा वाह, दिल खुश कर दिया तूने। और बता, क्या क्या याद है तुझको? याद तो मुझको सब है दासा, आप बताओ आपको क्या सुनना है। अच्छा, नंदघर के अलावा तुझे और क्या अच्छा लगा? उसके अलावा, हाँ उसके अलावा एक बात और बहुत अच्छी लगी, वो ये कि अब बाड़मेर में किसी भी बच्चे को अपने दासा से दूर शहर में नहीं रहना पड़ेगा, यानी केएन वेदांता ने यहीं पर रोजगार के इतने साधन विकसित कर दिए कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अरे मेरी बच्ची, क्या बात कह दी है तूने, वाकई यहाँ पलायन सबसे बड़ी बीमारी थी। काश ये थोड़ी पहले हो जाती तो आज मुझको आपसे दूरियों शहर में नहीं रहना पड़ता। हाँ बेटा, ये शिकायत तो रहेगी केएन वेदांता से कि वे इतनी देर से क्यों आई, पहले आ जाती तो आज मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहती। आप तो इमोशनल हो जाते हो हर बात में दासा। अच्छा, मैं आपको और भी बताऊं? हाँ बेटा बेटा, बता बता। इसके अलावा एक बात और अच्छी लगी, वो है
गांव में आती मोबाइल हेल्थ वैन। अब बीमारी में कम से कम ये चिंता नहीं रहती कि दवाई कैसे आएगी, किसको दिखाएं वगैरह वगैरह। अब आपका घर बैठे इलाज हो जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ बेटा, अब ये बात तो है। और इसमें भी सबसे अच्छी बात कि कोरोना में जब सब अपने घरों में दुबके थे, तब मोबाइल हेल्थ वैन ने बाड़मेर की कितनी मदद की। गांव-गांव ढानी ढानी जाकर लोगों की जांच करने में, दवाइयां पहुंचाने में 24 घंटे प्रशासन के साथ लगी रही। उनकी इस भाग दौड़ ने तो इतना मन मोह लिया कि सैल्यूट करने को मन करता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बेटा। भगवान ऐसे दिन वापस ना दिखाए, पर उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने जो काम किया ना, वो वाकई सैल्यूट करने लायक है। इतना बहुत है या और भी कुछ बताऊं? अरे ऐसा क्यों कह रही है, जो भी मन में आए वो सब बता दे। अच्छा ये बात है, तो सुनो, इसके अलावा खेती के नए तरीके, गांव तक पहुंचाना, यहाँ की जलवायु के हिसाब से फसल उगाना, मीठे पानी की व्यवस्था करना, यहाँ के पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाना, ये सब कमाल नहीं है तो और क्या है दासा? अरे हाँ बेटा, कमाल ही तो है। यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा जैसा जिम्मा सौंपना और उनमें इतना आत्मविश्वास भर देना कम बात है क्या? आज मैं दिल से केन वेदांता का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बाड़मेर में इतने बदलाव, इतनी तरक्की कर मेरे दासा के चेहरे पर मुस्कुराहट दे दी। अरे चल बदमाश लड़की, दासा से मस्करी करती है। चल अब सो जा, रात बहुत हो रही है, फिर तुझे कल सफर भी करना है। मुझे तो घर पे ही पड़े रहना है भाई, मैं तो दिन में भी सो सकता हूँ। ठीक है दासा, आप भी सोने की कोशिश करो, शायद नींद आ जाए। हाँ बेटा, कोशिश तो करता हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि दासा। ये भी कहा जाता है कि कोई अगर आपके कंधे पर हाथ रख दे या ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसे में एक और दो नहीं होते, 11 हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बाड़मेर के साथ, जब वहाँ की तकलीफें केन वेदांता से देखी नहीं गईं, तो उन्होंने बाड़मेर में बदलाव का जिम्मा अपने ऊपर लिया। यहीं से शुरू होती है कहानी बाड़मेर की उन्नति की, जो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। इसी सफलता की बदौलत आज ये जिला देश के नामचीन जिलों में शामिल होता जा रहा है। इसी के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं केन वेदांता के अनिल अग्रवाल। राजस्थान के ऊपर ईश्वर की सबसे ज्यादा कृपा है, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी धन बरसता है और नीचे भी धन है। ऊपर से इतना यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पैदा की जा सकती है। और नीचे में ये मिडल ईस्ट भी है, ये कनाडा भी है, ये साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तीनों जगह में जो जमीन के अंदर होता है वो सारा हमारे राजस्थान में है। आप चाहे ऑयल एंड गैस ले लो, चाहे आप सोना ले लो, चांदी ले लो, कॉपर है, रॉक फॉस्फेट है, पोटैश है, फर्टिलाइजर है, ये सारे की सारी चीजें हमारे राजस्थान की धरती के नीचे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास जो हमारे लोग हैं वो मेहनती लोग हैं। हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, क्योंकि हमारे बचपन से ही हम लोग मिलों से पानी लाते हैं, हमारी औरतें मिलों से पानी लाती हैं, हमारे घर में चक्कियां चलाती हैं, तो हम तो नेचुरल हम लोग मेहनती हैं। केन वेदांता अच्छी तरह जान गया कि तकलीफों को दूर करने के तमाम रास्ते शिक्षा से होकर गुजरते हैं। ये बात मन में आते ही उसने सबसे पहले नंदघर की कल्पना की, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा के साथ उसके शारीरिक विकास के लिए वो सब भी दिया जाए जिसकी उसको जरूरत है। साथ ही आज के आधुनिक समाज में वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, इसके लिए भी उसको बचपन से ही तैयार किया जाए। उनकी इस सोच ने दूर दराज के गांव ढाणियों में जैसे शिक्षा की अलख जगा दी। उसी का नतीजा है आज जब आप बाड़मेर के किसी भी गांव ढाणी में जाकर
वहाँ के नंदघर को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी संख्या में बाल गोपाल वहाँ शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। जाहिर है ये जब बड़े होंगे तब इनको वो सब नहीं झेलना पड़ेगा जो इनसे पहले के लोगों ने शिक्षा के अभाव में झेला। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं केन वेदांता के अनिल अग्रवाल। मेरी दिल की इच्छा है कि राजस्थान के बच्चे, एक भी बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं रहे। उसने क्या गुनाह किया है? बड़े आदमी तो बोल सकते हैं आप काम कर सकते हो, छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इंग्लिश मीडियम से भी शिक्षा मिले, वो हिंदी भी बोल सके, अंग्रेजी भी बोल सके, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें मॉडर्न तरीके से। तो हम लोगों ने ये स्कूल बनाए। अशोक जी गहलोत ने हमको जोर देके 25,000 स्कूल का कमिटमेंट लिया है जिसमें 10 लाख बच्चे पढ़ेंगे और 3 लाख महिलाएं स्किल डेवलपमेंट में आएगी। 25,000 ये नंदघर बने जिसमें कि सुबह बच्चे पढ़े और उनको पौष्टिक आहार मिले। पूरी दुनिया में हम लगे हुए हैं, सारी दुनिया के लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि पौष्टिक आहार में क्या दे सकते हैं जिससे बच्चों को भी इंटरेस्ट आवे, और कहानियां सुना सुना करके बच्चों को पढ़ाएं। हमने सब जगह टीवी लगाए हैं और मैं कोई भी काम नंदघर में जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है वो नहीं करेंगे, चाहे वो सोलार फैन हो, हर जगह बोरवेल हो, टीवी के माध्यम से फॉरेन वालों से बातचीत करके प्रोटीन बच्चों को दें। अगर 6 साल का बच्चा मजबूत हो गया और उसको संस्कार मिले कि हमको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हम अपने दादा दादियों का ख्याल रखें, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने गांव का ख्याल रखें, और उनमें से डर हटा दें, डर हटा के डर उनमें निकल जाए और बच्चों में रिस्पेक्ट करने की भावना आ जाए, ये हमारी इच्छा है और ये होके रहेगा। आयो रे सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे, आयो रे सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे। चल पुरानी आज छोड़ दे, सोचनु वो अपनायो रे, चल पुरानी आज छोड़ दे, सोचनु वो अपनायो रे, हुनर बधेला काम बधेला घर घर मंगला गायो रे, हुनर बधेला काम बधेला घर घर मंगला गायो रे, सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे, आयो रे सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे। जमानो आज अंगेजा, नुवो जमानो आज अंगेजा, ओ संदेशो आयो रे सुख आयो रे सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे, आयो रे सुख आयो रे, जीवन हर सायो रे, अब जीवन हर सायो रे, अब जीवन हर सायो रे, अब जीवन हर सायो रे। शिक्षा के बाद उन्होंने दूसरी समस्या पर निशाना साधा,
बाड़मेर में रोजगार के उचित अवसर न मिलने से युवा पलायन कर जाते और बड़े शहरों में मजदूरी करने लगते। हालांकि वहां बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन रोजगार जरूर मिल जाता। केन वेदांता ने इसी जिले में रोजगार के इतने अवसर पैदा कर दिए कि यहाँ के युवा को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इतने सारे नए काम यहाँ शुरू हो गए हैं कि यहाँ का युवा अपने परिवार के साथ यहाँ रहकर उनकी देखभाल करते हुए ही आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। गांव ढाणियों तक शिक्षा ही नहीं, एक और चीज भी पहुंचाई जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो थी चिकित्सा सुविधा। छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, चिकित्सा सुविधा मरीज के घर तक जाती है। ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सुविधा भी केन वेदांता ने उपलब्ध कराई। मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए गांव वालों को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि कैसी भी तकलीफ हो, केन वेदांता हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और इसके बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं केन वेदांता की प्रिया अग्रवाल। जो मुझे एक बदलाव लाना है ये देश में, वो ये है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए। और उधर से ननघर शुरू हुई हमारी। ननघर की मेन जो फोकस है वो है मेल नरिशमेंट में, जहां हमारा एम है कि 8 करोड़ बच्चे और 13 लाख आंगनवाड़ी जो है देश के, वो सब ननघर बन जाए और वहां पे बेस्ट इन क्लास न्यूट्रिशन मिले हर बच्चे को। और इसी से फिर ये रन फॉर जीरो हंगर आया। हम देश को साथ मिला के उनको सबको एक मूवमेंट पैदा करना है कि ये रन फॉर जीरो हंगर एक बड़ी चीज हो जाए, जो सब लोग सोचे कि यू नो हमारे देश में बच्चे अभी भूखे है, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते। शुरू हुआ था ये एक सोच कि कोई बच्चा मैल नरिश ना हो, और जो और बहुत करीब से वो ट्रैक करते हैं कि कैसे चल रहा है। हमारे ऑलरेडी 4,000 कंप्लीट हो चुके हैं और राजस्थान के साथ 25,000 और कर रहे हैं। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सपना है कि जो 13 लाख आंगनवाड़ी है देश में सब नंदर बन जाए, क्योंकि इसमें जो हेल्थ केयर है, जो न्यूट्रिशन है, साइंटिफिक न्यूट्रिशन देते हैं हम, जो और जो एजुकेशन है टेक्नोलॉजी के तौर एजुकेशन देते हैं, ऐसा यू नो हम लोग ने एक मॉडल बनाया है जहां हर बच्चा जो निकलता है वहां से वो हेल्दी बच्चा मिलता निकलता है, एक वैल्यू रहता है बच्चे में। और ये एक और हम ऑलरेडी हम जो केस स्टडीज करते हैं, जो रेगुलर आंगनवाड़ी में 30 या 40% बच्चे माल नरिश हो, यहाँ पे खाली 7 या 8% बच्चे माल नरिश है, बाकी सब हेल्दी निकल रहे हैं। तो ऑलरेडी ये बहुत सक्सेसफुल है और पूरे देश को रेप्लिकेट करनी चाहिए। यहाँ खिलाड़ी तैयार करने के लिए पूरी एकेडमी खोल दी, जहाँ उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध करा के उन्हें अपनी प्रतिभा को तराशने का पूरा मौका दिया जा रहा है। खेती की नई नई तकनीक लाकर किसानों को खेती के नए तरीके बताए जा रहे हैं। खेती के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराना या उन्नत किस्म से बीज और खाद उपलब्ध करवा के पूरे बाड़मेर को हरा भरा कर दिया, जिनसे यहाँ के लोगों के चेहरे खिल गए। हमारी एक अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है जो हमने कुछ साल पहले ही शुरू किया है, उसके पहले तो, और इसमें हम चार वर्टिकल में फोकस दे रहे हैं। एक वुमेन एंड चाइल्ड, जिससे ननघर पैदा हुआ है और बहुत कुछ करते हैं वुमेन चिल्ड्रन का। उनका फोकस है कि 8 करोड़ बच्चे और 2 करोड़ महिलाएं का देखभाल करें। दूसरा हमारा एक एनिमल केयर का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। तीसरा एक हेल्थ केयर वर्टिकल है, एक स्वस्थ गांव अभियान, जहाँ पे हम 1,000 विलेज लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहाँ बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर मिले और ऐसे मॉडल विलेज बने 1,000 जो पूरा देश में रेप्लिकेट हुए। और चौथा हमारी स्किलिंग एंड स्पोर्ट्स की वर्टिकल है। लाखों लोग का स्किलिंग हम लोग देखते हैं, महिलाएं और मैन एंड वुमेन का। एंड स्पोर्ट्स में भी हमारे 2 बहुत बड़े स्टेडियम हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। फुटबॉल का गोवा में भी है और राजस्थान में भी है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं अभी। हमारा आर्चरी का बहुत बड़ी एकेडमी है जहाँ बच्चे अभी कुछ साल पहले 4 साल की लड़की एक नेशनल अवार्ड जीत के आई है आर्चरी की भी। बहुत बड़ी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हम लोग महिलाएं को। ये हम लोग ने मैराथन जो शुरू किया है दिल्ली में भी, जयपुर में भी। तो स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी पैरा ओलंपिक्स एथलीट्स को हम राजस्थान से भेजे हैं, अवार्ड जीत के आए हैं।
तो ये एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी वर्टिकल है, तो ये चारों वर्टिकल में फोकस करके हम लोग बहुत चेंज बदलाव लाना चाहते हैं देश जी, में जी। जो था बाड़मेर जी। और जो केन से आने के बाद जो हो गया है बाड़मेर, एकदम एक टाउनशिप बन गया है, लोग वहां पे फ्लरिश कर रहे हैं, कम्युनिटी यू नो जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं लोग को, लोग फ्लरिश कर रहे हैं वहां पे, नंदघर भी है वहां पे, जो जो भी मैंने कहा है ये चारों वर्टिकल का पूरा हम लोग बाड़मेर में फोकस देंगे। और जो भी मैंने कहा ये चारों वर्टिकल का, पहले सब कुछ राजस्थान में शुरू होगा क्योंकि राजस्थान तो दिल में बसा हुआ है, राजस्थान तो हमारे परिवार का रूट्स है जी, और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान जिंक भी है, केन भी है, सब कुछ तो यहीं पे है, तो जो भी मैं कह रही हूँ सब राजस्थान में शुरू होगा पहले। खड़ली परू के थे बढ़ाने पधारो, ओ तेल गैस विदाता बढ़ाने मनी कीड़े, तेल गैस विदाता बढ़ाने मनी कीड़े, ओ विदेशों से आवे घना लोग, आज का बाड़मेर पहले के बाड़मेर से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ की अपनायत, जिससे कायल होकर ही केन वेदांता यहाँ का हिस्सा बन गया, एक जरूरी हिस्सा। आज बाड़मेर और केन वेदांता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वाकई आज बाड़मेर जिस जगह खड़ा है उसमें निश्चित रूप से केन वेदांता का सहयोग है, और इसकी कहानी बाड़मेर के हर बाशिंदे की चमकती आंखें बयां कर जाती हैं। आज के अंक में दादा की भूमिका में थे ईश्वर दत्त माथुर और पोती की भूमिका निभाई चंचल ने। इसी के साथ दीजिए इजाजत, सुषमा को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरु मंगला।